एकदम से मस्त तरीके से एकदम मैच हो गए। हेलो एफएल गैंग, मैं हूँ रोहित और आप सब देख रहे हैं योर एफएल स्टूडियो हिंदी ट्यूटोरियल्स। और जो आज का टॉपिक है वो फेड इन फेड आउट के ऊपर है, जो कि आपको इसमें पता लगेगा फेड आउट और इन का मतलब क्या है। आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती होगी कि वोकल, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे ये दो वोकल हैं तो इनको अब मर्ज कराना है, इनको इस तरीके से मिक्स कराना है ताकि इसकी वॉल्यूम एकदम निकल जाए और इसकी उठ जाए। ठीक है, तो वो किस तरीके से होएगा अभी पहले एक बार सुनते हैं इसको। ठीक है, ये भी जा रही है यहाँ से और ये भी आ गई एकदम, तो मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से एक मिनट, इतना कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ये जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रांजिशन नो, ठीक है, ब्लेंडिंग, तो इनमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, तो ज़्यादातर इसमें ये दो जेनरिक वाला और स्मूथ वाला काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हल्का सा मतलब ब्लेंड करना है हल्का, तो उसके लिए जेनरिक यूज़ कर सकते हो, और थोड़ी ज़्यादा लंबा है तो स्मूथ कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा है तो उसके लिए क्रॉस फेड यहाँ पे है ब्लेंडिंग वाला। तो मेरे हिसाब से स्मूथ वाला नहीं ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, ऑल्ट दबा के भी मैं इसको मैच करा दूँगा। ठीक है, अब नीचे वाले पे भी करेंगे, इसको ना थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, हल्का सा जब आएगा वो, ये देखो, तो इसके लिए ऑल्ट दबा के हल्का सा पीछे करूँगा मैं, ये आ गया। मेरे हिसाब से इसके लिए भी मैं ये वाला क्रॉस फेड यूज़ करूँगा ताकि दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएं, और इसको मैं हल्का सा आगे कर दूँगा। ठीक है, ये जो मिल रहा है, तो अब सुनते हैं एक बार। एकदम से मस्त तरीके से एकदम मैच हो गए, कहीं पे भी एक क्लिक वाली आवाज़ नहीं आ रही। और अगर कुछ चीज़ आपके मतलब ये दोनों साइड काम करता है, ये पीछे भी, ठीक है, इसको ऐसे कर दो कि कुछ क्लिक वाली साउंड है। ठीक है, वेव फॉर्म कई बार ऐसा होता है, कई बार क्लिक कर जाता है, तो उसको आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं एक बार बंद करता हूँ यहाँ से। अगर ये वोकल फॉर एग्जांपल ऐसी होती तो यहाँ पे इसमें क्या है, एकदम से वेव फॉर्म है ना, जो इसकी 0 से 100 नहीं जा रही, एकदम से ये लगा लो 20%, 5%, 10%, जहाँ से भी स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, तो उससे क्लिक की साउंड आती है। तो एक बार सुन के देखते हैं, अगर पता लगता है तो। और अब इसको यहाँ से मैं इसको सॉरी स्मूथ नहीं होएगा ये दोनों साइड से एक से ही काम करेगा। अब देख रहे हो आगे से पैना हो गया ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, मतलब इसकी वॉल्यूम चढ़ रही है तो इन, और वॉल्यूम नीचे जा रही है आउट, एक तरीके से वॉल्यूम वाला ही काम करता है। और आप इसको अगर ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका और है, मतलब आपको सिर्फ इसकी बैक जो पीछे की वोकल है वो दबानी है बस। ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल ऐसे है तो यहाँ से जाओगे इसको पैनिंग में जाके ऑटोमेट पे जाके वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कर देना है, ऐसे यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये भी एक तरीका है,
इसको दोनों साइड से कर सकते हैं हम, नीचे से पकड़ के ऐसे कर दिया। तो डिपेंड है आपके ऊपर किस तरीके से आप करना चाहते हो। तो उम्मीद है आज का इस ट्यूटोरियल में आपको समझ आ गया होगा।